बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस ए ट्रेंडिंग फैशन। आप सब कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली मेंबर? आई होप के सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी बहनों के लिए, गर्ल्स के लिए, सिस्टर के लिए बहुत ही खूबसूरत टॉप लेकर आई हूँ, जो कि खूबसूरत स्टाइलिश भी हैं, जो कुर्ता स्टाइल में भी हैं, कमीज शर्ट में भी हैं, जो कैपरी के साथ भी आप पहन सकती हैं, बेल बॉटम के साथ भी, इसके अलावा पैंट ट्राउज़र के साथ भी पहन सकती हैं, खाली जीन्स की पैंट के साथ भी, और ट्यूलिप शलवार के साथ भी, धोती शलवार जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा फेरों वाली शलवार के साथ। ये तो आपको मेरी शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखकर ही अंदाज़ा होगा कि आपको किस तरह की शर्ट के साथ किस तरह की शलवार पहननी अच्छी लगेगी। ये देखें इतना खूबसूरत लग रहा है। ये हालांकि सिंपल ड्रेस है बिल्कुल, लेकिन इसकी ग्रेस ही अलग आई हुई है कि थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हुई हुई है पैंट ट्राउज़र के साथ उन्होंने की हुई है, जो खूबसूरत सीन लगा। ये टॉप सिला हुआ है जो बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसा गर्ल्स पे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि बच्ची जब इस तरह के टॉप्स पहनती हैं, टॉप तो उनको अलग ही क्रेज़ देती हैं टॉप पे वो, और उनको शौक़ भी बहुत होता है। ये देखें ये शरारे टाइप का बेल बॉटम भी है जो शॉर्ट शर्ट के साथ है, जो बहुत प्यारा लग के जीन्स की पैंट के साथ है, ये ट्यूलिप शलवार के साथ, ये कुर्ता भी है इसके साथ आप यूज़ कर सकती हैं, फ्रॉक भी यूज़ कर सकती हैं कि सिलवा सकती हैं, स्टिच करवा सकती हैं। मैंने सिर्फ आपके साथ आइडियाज़ ही शेयर किए हैं, ना मैं कटिंग का काम करते हैं ना हम स्टिचिंग का काम, हम सिर्फ आपके साथ आइडियाज़ ही शेयर करते हैं, ताकि मेरी वो बहनें जो यूनिवर्सिटी जाने वाली, कॉलेज जाने वाली, अकेडमी जाने वाली जो मेरी बहनें सिस्टर हैं, ये मैं आइडियाज़ सिर्फ उनके लिए शेयर करती हूँ। वैसे तो चूड़ीदार पजामा फ्रॉक के नीचे भी बहुत खूबसूरत और हसीन लगता है, बच्चियों को प्यारा लगता है, बच्चियाँ ग्रेसफुल लगती हैं ऐसे ड्रेसेस में, और उनको शौक़ भी होता है कि हम नई से नई चीज़ पहने। सिर्फ एक हम अगर टॉप या कुर्ता या फ्रॉक, उसके नीचे नए से ट्राउज़र, इस तरह की कैपरी स्टाइल शलवार या कुछ भी चेंज करके पहने, तो वो नए से नई लुक देती है हर दफ़ा। मेरे चैनल में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ डली हुई हैं, आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें मेहंदी ट्यूटोरियल हैं, ब्राइडल ड्रेसेस हैं, ब्राइडल मेकअप है, हेयर स्टाइल हैं, बच्चों के भी हैं, बच्चों के आइडियाज़ मैं अब शेयर करने लगी हूँ अपनी बहनों सिस्टरों के साथ, और इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा वीडियो आपके साथ आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ, ताकि मेरी बहनें जो घर बैठी हैं वो ईज़िली मेरी आइडियाज़ से फ़ायदा उठा सकें। ये आइडियाज़ से ये आपको फ़ायदा होगा कि आप बाज़ार से, मार्केट से कोई शर्ट भी लाती हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने इसके नीचे ट्राउज़र या कैपरी किस तरह की परचेज़ करनी है, या ख़ुद स्टिच करनी है। अगर आपको खुद स्टिच करनी आती है तो आप कपड़ा लाकर घर में स्टिच कर सकती हैं, वरना इस तरह का स्क्रीनशॉट लेकर आपने अगर कोई कुर्ता सिलवाना है या टॉप सिलवाना है, तो अपनी टेलर से सिलवा सकती हैं, बेस्टिंग टेलर से भी स्टिच करवा सकती हैं। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है आपको, कलर कॉम्बिनेशन देखें कितने आइडियाज़ अच्छे मिल रहे हैं, कि कितने खूबसूरत लाइट सी। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें, ताकि आपको पूरी वीडियो में मालूमात हासिल हो कि हमने किस तरह के ड्रेस के साथ किस तरह की ट्राउज़र, किस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे दुपट्टा किस तरह से लेना है। मैं आपके साथ और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर करूँगी। ये देखें ये कितनी खूबसूरत और हसीन लग रही है, बहुत ही हसीन ग्रेस दे रही है, बिल्कुल प्लेन सूट पर ज़रा सा प्रिंटेड आप इसको दुपट्टा ले लें या कोई भी कंट्रास्ट कर लें, तो बहुत खूबसूरत और हसीन लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।